हेलो दोस्तों, पृथ्वी के 71% भाग में पानी है और 23% भाग स्थल है, और इस 23% भाग में ही छोटे बड़े देश आते हैं। हम जानेंगे कि दुनिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। अगर हमसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हम कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जहां हम क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश देखते हैं, वहां जनसंख्या कम होती है। चलो देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। रूस दुनिया के सबसे बड़े देश की अगर हम बात करें तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे अधिक क्षेत्रफल रूस का ही है। इसका क्षेत्रफल देखे तो 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया में इससे ज्यादा किसी भी देश का नहीं है। यह देश 1,63,76,870 वर्ग किलोमीटर लगभग में फैला हुआ है। यह पूरी पृथ्वी का 11.5% भाग में ही फैला हुआ है। रूस के लोगों की जनसंख्या 14,59,34,462 करोड़ ही है, जो कि रूस के क्षेत्रफल से बहुत कम है। यह अपनी सीमा को साझा 14 देशों के साथ करता है। कनाडा, अगर दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा देश की बात करें तो कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश का क्षेत्रफल 99,84,670 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इस देश की जनसंख्या लगभग 3,77,42,154 करोड़ है। इसके भूभाग की बात करें तो ये 6.73% भाग है। यह देश अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस देश का तापमान ज्यादातर समय ठंडा ही रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश अमेरिका की है, और जनसंख्या के हिसाब से भी यह तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल 98,26,675 वर्ग किलोमीटर है। इस देश में 32.4 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। यह भूभाग के 6.5% भाग में स्थान है। चीन, चीन दुनिया के सबसे बड़े देशों में चौथे नंबर पर आता है। चीन का कुल 97,06,961 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चीन की जनसंख्या लगभग 144 करोड़, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन भूभाग में से 6.4% भाग में ही स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से यह दुनिया के पहला स्थान पर है। ब्राजील, ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े देशों में से 5वें स्थान पर आता है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 85,15,770 वर्ग किलोमीटर है। ब्राजील दुनिया के 5.6% भाग पर अपना कब्जा करता है। ब्राजील देश में ज्यादा वर्षा होने के कारण इसे वर्षावनों के लिए जाना जाता है।